जानते हो कि डार्क वेब कब बना, किस लिए बनाया गया और डार्क वेब को इंटरनेट की काली दुनिया क्यों कहा जाता है? हमने पार्ट फर्स्ट में बताया कि डार्क वेब, डीप वेब और डार्क नेट क्या है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीप वेब का इतिहास और डार्क वेब डीप वेब से क्यों अलग हुआ। Driven our world to a drastic state of vulnerability, selves to the effacement of the digital self. Story of Dark Web. Dark Web का इतिहास, इसका आविष्कार तब हुआ जब कुछ लोगों को लगा कि anonymous तरीके से इंटरनेट को सर्फ नहीं किया जा सकता। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ तब कुछ संगठन को अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन को करने में दिक्कत होती थी। इसकी वजह से यह थी कि पहले की वेबसाइट उतनी इंक्रिप्टेड नहीं होती थी, जिससे हैकर इन वेबसाइट को आसानी से हैक करके डेटा को लीक कर देते थे। डार्क वेब को 1919 के मध्य सरकारी कामों के लिए अमेरिकी नौसेना द्वारा बनाया गया था। इस परियोजना का मुख्य काम सरकारी कामों के बीच खुफिया तरीके से कम्युनिकेट करना था। इसके बाद इसे 2004 में सार्वजनिक कर दिया गया, जिससे सभी लोग को इंटरनेट पर अपनी प्राइवेसी को बचा सके। अब इसे लोग टोर ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करते हैं। डीप वेब क्या है और डार्क वेब से किस प्रकार अलग हुआ? डीप वेब एक प्रकार का सरफेस वेब का एक हिस्सा है और यह डार्क वेब से पूरी तरीके से अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि डार्क वेब बहुत बड़ा है डीप वेब की तुलना में, और यह डीप वेब का ही एक हिस्सा है। यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि डार्क वेब डीप वेब से बहुत छोटा है और डार्क वेब सरफेस वेब और डीप वेब दोनों से बिल्कुल अलग है। इसका कारण यह है कि अगर डीप वेब का लिंक हमारे पास है तो हम उसे अपने नॉर्मल ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं, जबकि डार्क वेब को सिर्फ टोर ब्राउज़र से विजिट किया जा सकता है। पूरे इंटरनेट पर सिर्फ सबसे ज़्यादा डेटा डीप वेब में ही होता है, क्योंकि जितनी भी सीक्रेट चीज़ें होती है वह वहीं पर रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 90% हिस्सा डीप वेब का होता है। आइए एक उदाहरण से डीप वेब को समझते हैं। जैसे अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं तो केवल आप ही अपने ड्राइव का डेटा देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसका एक्सेस करने की की है। अब इस तरह के इंफॉर्मेशन को गूगल या अन्य सर्च इंजन से हाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आपके द्वारा सेव किए गए डेटा को कोई देख ना पाए। वहीं अगर आप अपने ड्राइव के फाइल लिंक को किसी को शेयर करते और उसे एक्सेस की देते हैं तो वह किसी भी सर्च इंजन में उस लिंक को सर्च कर सकता है और एक्सेस की के हेल्प से उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है जो आपके लिंक में थी। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कीमती राय ज़रूर दें।